अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मिशा शाहजा सके, आप मेरा यूट्यूब चैनल मिशा टेक देख रहे हैं। इसमें आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए अर्निंग के हवाले से बहुत इजी मेथड लेके आती हूँ, ताकि आप इस माशरे में ये सीख कर आप इस माशरे में अर्निंग के काबिल हो सकें। और मैं मुख्तलिफ किस्म के आपके लिए कोर्सेज लेकर आती हूँ, ताकि आपके हाथ में कोई स्किल आ जाए, ताकि आपके हाथ में कोई स्किल आ जाए और आप इजीली इस सोसाइटी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। तो मैं आज भी इसी किस्म की एक वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, और रमज़ान में आपको पता है हर नेकी का 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, अल्लाह ताला देता है। तो आप मैं चाहती हूँ कि ये नेकी कमा लें और अर्निंग करें, साथ साथ इबादत करें और साथ साथ ये काम भी करते जाएं। ये भी नेकी इबादत में आपके शुमार होगा और इसमें भी आपको नेकियां में इजाफा मिलेगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और लाइक और शेयर के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। आपकी नेकियों आप जब ये नेक काम करेंगे ये बटन प्रेस करने के बाद, तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा। जितने लोग देखेंगे, हर लोग हर इंसान के देखने पर आपको 70 नेकियों का सवाब मिलता चला जाएगा। तो क्या आप ये नेकियां नहीं कमाना चाहेंगे? यकीनन कमाना चाहेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और लाइक और शेयर के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान के हवाले से ही वीडियो लेकर आई हूँ कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप नेकियों के साथ साथ अपनी अर्निंग में भी इजाफा कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो है, कॉपी पेस्ट है। इसमें जो ख़वातीन हमारी घरों में बैठी हैं और वो कोई काम करना चाहती हैं, तो वो भी ये काम इजीली कर सकती हैं। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, और वो स्टूडेंट्स पता है कि स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो स्टडीज़ को अपना ज़्यादा टाइम देते हैं। और जैसा कि आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसमें घर के हर इंसान को कमाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स भी अपने वालदैन का हाथ बटाएं और अर्निंग इस तरह से अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स भी ये काम इजीली कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनके पास एजुकेशन की तालीम की बहुत कमी है, वो भी ये काम इजीली कर सकते हैं। ये एक हर इंसान के लिए काम करना बहुत आसान है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए भी आसान है जिनके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं आपको कैनवा पे काम करवाती हूँ। कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि और एप्लीकेशन है कि जिसमें आपको हर चीज़ इजीली यहीं इसी के अंदर रहते हुए मिल जाती है, इसी के अंदर रहते हुए आप काम कर सकते हैं, और बहुत कम आपको दूसरी वेबसाइट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें एडिटिंग वगैरह, लोगो वगैरह सब कुछ इसी में हो जाता है, ये बैकग्राउंड रिमूव वगैरह सब कुछ हो जाता है, कलर चेंज वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए आसानियों के साथ काम लेकर आती हूँ, ठीक है। तो अब आपने जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, तो वो प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर जाकर वो वहाँ पे लिख के डालें कैनवा एप्लीकेशन, तो आपको कैनवा एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और काम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आपके लिए इतने ज़्यादा आसान काम लेकर आती हूँ कि आप मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कर सकें, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, इबादत के साथ साथ अपना मेहनत भी जारी रखें, तो अल्लाह ताला इसमें यकीनन आपको फल देगा, इसका फल देगा। तो आप जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और लाइक और शेयर के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह आपका भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। तो कर भला हो भला, वो भला आ जाता है फिक्रा। चले आज अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आना है कैनवा की एप्लीकेशन, ये वीडियो का टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आपने भी वीडियो का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पे आने के बाद आपने न्यू टैब पे आना है और वहाँ पे
न्यू टैब पे आके आपने सर्च करना है अल कुरान। आपने गूगल पे आके अल कुरान इन्फो आके सर्च करना है, और सर्च करने के बाद थोड़ी देर के बाद आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी अल कुरान इन्फो के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब आपने जैसे सूरह फतह जो भी सूरत करने चाहते हैं वो सूरत करें, या आप शुरू से कुरान पाक को करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये मैंने सूरह फतह को क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद ये देखें सूरह फतह आ चुकी हुई है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये कॉपी किया, वापस कैनवा पे आए, हम कैनवा पे आके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, फिर वापस उसी साइड पे आएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से, ये देखें यहाँ से कॉपी करेंगे, ये कॉपी किया, वापस इस साइड पे आए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इस तरह आपने बारी बारी सारी आयात को पेस्ट कर लेना है। एटलीस्ट आपकी 7 आयात की एक वीडियो होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें ये मैं पेस्ट कर रही हूँ, आगे फिर मैं बताती हूँ आपको, अगर मैं कंप्लीट नहीं करूंगी तो आपको समझ नहीं आने की। और कोई भी मुश्किल पड़ा करे, कुछ भी हुआ करे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता दिया करें तो आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाया करेगा। ठीक है, आपको पता है कि मैं कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती हूँ, वो इसलिए होती हूँ कि मुझे और भी बहुत से काम होते हैं जो मैं काम कर रही होती हूँ, तो फिर मैं यहाँ से ऑफ करके तो फिर मैं वो काम कर रही होती हूँ। और अगर जिसने मेरी टीम का हिस्सा कोई बनना चाहता है, सिंसियर है और मेहनती है वो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकें। ठीक है, क्योंकि मैं सिंसियर और मेहनती लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। ये कॉपी किया, यहाँ पे ये देखें पेस्ट कर दिया, ये इसको नीचे ले आए। ठीक है, ये देखें अब ये एक सीक्वेंस में आप रख लीजिएगा। अब ये देखें ये हम अब यहाँ इसका साइज बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं इसका साइज, ये देखें 50 कर दिया, इसका भी 50 कर देते हैं हम, क्योंकि साइज एक ही रखेंगे। ठीक है, ये भी 50 हो गया, इसको भी 50 कर देते हैं। ये भी 50 लास्ट वन, ये देखिए सारे हो गए। इस तरह आपका आ जाएगा सीक्वेंस, एक ही रख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ है, आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा जिससे। ये ठीक है,
ठीक है, ये देखें अब एडजस्ट हो गया है। अब आपने भला क्या करना है, अब आपने यहाँ से कोई नेचर एलिमेंट्स पे आपने आना है, और एलिमेंट्स पे आके आपने यहाँ पे लिखना है नेचर। नेचर को लिख के आप सेलेक्ट करेंगे, वो एंटर करेंगे, तो ये नेचर से रिलेटेड आपने वीडियोस पे आना है। ठीक है, आपके पास ये नेचर की वीडियोस आ जाएंगी। अब आपको जो भी वीडियो अच्छी लग रही हो आप वो ले सकते हैं। सपोज में ये भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे ये लिया मैंने, इसको इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसको ठीक है, आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अगर आप साइड पे करना चाहें तो इसको यहाँ ड्रैग करके भी कर सकते हैं ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ये देखें कितने आराम से। और इसमें कोई भी मुश्किल काम है मुझे बताएं, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते वो भी ये इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से ये कलर भी चेंज कर सकते हैं ये, ठीक है, जैसे वाइट है, पर्पल है, जैसे ब्लू है, जो भी आपने करना हो। हम ब्लैक ही रख रहे हैं, ठीक है, इस वक्त, क्योंकि इस पे ब्लैक ही नजर सही नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है ये देखें, यहाँ तक तो ये आपका हो गया। अब आपने इसका एनिमेट करना है, एनिमेशन देने हैं इसको, ये देखें, हम पूरे पेज को ही कर देते हैं ऐसे करके क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप ये वाला एनिमेशन देते हैं, ये देखिए ये वाला एनिमेशन आएगा। आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, ये जैसे मैं ये दे रही हूँ ये वाला, इसको भी यही वाला दे रही हूँ, ये देखें ये ऐसे आएगा। शुरू से ये देना चाहें ये दे लें, और इसका अगर बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे ये बैकग्राउंड। आप दोबारा एलिमेंट्स पे आएंगे, अगर ये वाला नहीं लगाना मतलब चाह रहे तो आप ये वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ये दो तरीके आपको इसलिए बता रही हूँ, ये देखें यहाँ पे पिक्चर पे रख के आप क्लिक करें और सेट वीडियो
यस बैकग्राउंड करते हैं तो ये अब, लेकिन आपको ये नज़र नहीं ना आ रहा, तो अब आपने इसको पकड़ के कलर चेंज कर देना है, इसलिए मैं इधर लेके आई हूँ आपको। ये देखें, बारी बारी हर एक पे क्लिक करें, इसका कलर चेंज करें। ये देखें, कलर वाइट, इधर भी वाइट, क्योंकि वाइट ब्लैक इतना नज़र नहीं आ रहा इसलिए हम कलर चेंज कर रहे हैं। ये देखें, वाइट कर दिया, इसको भी वाइट कर दिया, ठीक है। ये देखें, वाइट कलर आ गया। अब आपने क्या करना है, एक काम और करना है आपने, फिर दोबारा एनिमेशन पे जाना है, एनिमेट पे जाना है, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ये वाला, ठीक है। अब आपने इसकी इंटेंसिटी को कम कर देना है, ठीक है, बिल्कुल 0 पे कर दिया हमने। इसको नीचे ये देखें, अब आपको ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से। अगर आप सीन चेंज करना चाहते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो आप यहाँ से इसको कट करके आप दूसरा सीन लगा दें, अगर वो पे करेंगे तो। ये देखें, स्टार्ट, ये देखिए, इसको पकड़ के स्लाइडर को इधर लाए, ठीक है। ये अब आपके ये हो गया। अब आपने वॉइस कहाँ से लेनी है, आपने दूसरी टैब पे जाना है, और यहाँ पे टैब गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपने ये वाली वेबसाइट को सेलेक्ट, वो एंटर करना है, सर्च करना है, ठीक है। इसको .com वाली पे, इस पे आने के बाद आपने ये क्लिक करेंगे तो ये कुरान लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, आप जिसकी लेना चाहें आप उसकी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने इस इनकी ली है, तो यहाँ से उनकी पहले वॉइस सुन लें, ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड कर लें। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप दोबारा अपनी साइट पे आएँ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आके आप अपलोड करेंगे तो आपकी ये आ जाएगी। हमने अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद हमारे पास ये ऑडियो आ चुकी है, ठीक है। इसको हम पकड़ के यहाँ पे रख देंगे, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी ट्रैक पे आ जाएगी वो। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ये देखिए, इसको पकड़ के हम इसके बराबर ले आते हैं, ठीक है। और पीछे से देखते हैं, इसको भी यहाँ से हम इंक्रीज बराबर कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से प्ले करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करूँ ताकि आपको पता चले, 25 पे। इसको यहाँ से ये देखिए, अब देखिए, الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم ये देखिए आगे से मैं दिखा देती हूँ आपको एंड से कि ये देखिए اهدنا الصراط المستقيم इसको पूरा नहीं हुआ है आप इसको इंक्रीज करते हैं यहाँ से तो आप यहाँ तक मुस्तकीम तक हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी वीडियो की आप कॉपी आगे लगा सकते हैं यहाँ से इसको क्लिक करें या दूसरी अगर आपने सीन लेना है कोई और ये नेचर का कोई और सीन लेना है तो आप दूसरा नेचर का सीन भी ले सकते हैं यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको कॉपी कर रही हूँ कॉपी करके मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी ठीक है जी अब हम हमारे पास आ गई और इसी तरह ये आपने लिख के यहाँ पे लगा देनी है और इसको इंक्रीज कर देना है यहाँ से मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ मुस्तकीम तक है आगे एक आयत रह गई है इस पे आ जाए इस ये देखें यहाँ पे आके क्लिक करें और ऊपर आके आप पेस्ट कर दें इसको यहाँ से यहाँ पे आके इसको यहाँ से साइज को रीसेट कर देते हैं ठीक है यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं कॉपी नहीं हुआ शायद ये कॉपी नहीं हुआ कॉपी किया यहाँ पे आए यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे इसको ये अब पेस्ट हो गया है ठीक है इसको हम ऊपर कर देते हैं और हम इसको एनिमेशन भी दे देते हैं ये देखिए हम इसको एनिमेशन भी ये दे देते हैं ठीक है इसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं और ये देखिए अब यहाँ से मैं फिर से प्ले करती हूँ देखिएगा अब आवाज़ नहीं है यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और इसकी आवाज़ यहाँ तक बढ़ा देंगे ये देखिए आगे फिर आवाज नहीं है हम इसको आगे कर देंगे ये देखिए फिर दोबारा से हम पीछे लेके आते हैं ये वाला दालीन पूरा आप इसको यहाँ से पकड़ के खींच के पूरा कर दें ये देखें
आप बार बार सुन के तो आप इसको कर लीजिएगा सेटिंग इसकी। ठीक है, इतनी सेटिंग हो गई। अब ये देखें जितनी है यहाँ पे वॉलिन पे थोड़ा सा, बस अब ये जो वीडियो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और इसको इसके बराबर कर देंगे ऐसे। थोड़ा सा और, अब ये बराबर आ गया। अब ये जो गैप आया है इस पे हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ये देखें ट्रांजिशन का साइन बन के आ गया है। हम यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन जैसे डिसॉल्व की है हम ये लगा देते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका भी इफेक्ट देखें कि क्या होता है। ये देखें एक झटका जो पड़ता है दूसरा सीन आने पे वो नहीं पड़े। ठीक है, इस तरह आप सीन आप चेंज भी कर सकते हैं, बारी बारी हर आयत का भी चेंज कर सकते हैं। हर आयत पे हर सीन पे नई आयत आप बना सकते हैं, टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शेयर पे जाएंगे, आपने शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये डाउनलोड है, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी वीडियो। ठीक है, देखा है कितना आसान काम था, और इसमें हर कोई इंसान इजीली ये काम कर सकता है। तो मुझे यकीन है कि अभी तक किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा और ना ही लाइक और शेयर के बटन को प्रेस किया होगा, तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, और लाइक और शेयर के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपका भला हो रहा है तो दूसरों का भी आप भला कर सकें और अपनी नेकियों में इजाफा कर सकें। और रमज़ान के महीने में हर नेकी का 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, तो आप कैसे इससे पीछे हट सकेंगे? नहीं ना हटेंगे, तो आप प्लीज़ ये काम कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। और इसके साथ ही मिशा शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।